अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली कैसे हैं आप सब लोग होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम रोस्ट चरगा की रेसिपी लेकर आई हूँ लास्ट टाइम मैंने महा के घर खाया था तो मुझे इतना कोई पसंद आया मैंने कहा कि यह रेसिपी तो मैंने मस्ट ट्राई करनी है और चरगा मुझे लगता था कि बग़ैर अवन के इसका कोई टेस्ट नहीं होता अवन के बगैर ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनती लेकिन आज मैंने अवन के बग़ैर इसको बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग तो यहाँ पे मेरीनेशन का सामान मैंने पहले से निकाल दिया था और यहाँ पे आगे थे मेरे भिनोई तो उन्होंने कहा कि मेरीनेशन मैं आपको करके दे देता हूँ तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर दिया अब इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे अच्छा यहाँ पे हमने कट्स बहुत गहरे लगाए क्योंकि चिकन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है अगर आपके पास छोटा चिकन है ना तो फिर आपने जो कट्स हैं वो गहरे लगाने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कट्स नहीं लगाने हैं क्योंकि वो आसानी से पक जाता है आ, पूरे चिकन में हमने कट्स लगा दिए हैं साथ ही लेग्स में भी यानी अच्छे से आपने कट्स लगाने ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ़ यहाँ पे मैंने एक कप दही लिया है अच्छा दही आपने बहुत ज़्यादा थिकसा लेना है यहाँ पे मैंने बाहर से मंगवाया था इतना अच्छा वाला नहीं था तो फिर मैंने इसको छान लिया था यानी इसका पानी निकाल दिया था अब इसके अंदर मसाले जाएंगे मसालों में जाएगी कुटी लाल मिर्च वन टेबल स्पून और धनिया वन टेबल स्पून वन पिंच मैंने फूड कलर डाला है वन टी अजवाइन अजवाइन थोड़ी कम डालनी है फिर कड़वा अजवाए सा टेस्ट आता है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर टू टेबल ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ ही यहाँ पे जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च आ, कश्मीरी लाल मिर्च से इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और यहाँ पे सॉसेस में जाएगा टू टेबल स्पून चिली सॉस टू से थ्री टेबल स्पून सिरका जाएगा टू टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा लेमन जूस मामा ने इस तरह बॉटल में जो है वो फ्रीज करके रखा होता है क्योंकि लेमन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है ऐसे अगर आपने जूस जो है इसका बना के रखा हो और साथ ही वन टेबल स्पून नमक जाएगा अच्छा अब सिरका और लेमन जूस डालने का मकसद ये ना कि इससे जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाता है यानी ये दोनों चीज़ें चिकन के गलाने के काम आती हैं ये आपने स्किप नहीं करनी है मस्त डालनी है एक तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा और चिकन भी आपका आसानी से जाएगा अब इन सारी चीजों को कर देंगे अच्छे से मिक्स अब यहाँ पे मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके अंदर जाएंगे आ, टू एग्स यहाँ पे मेरे पास दो चिकन थे इसलिए मैंने टू एग्स डाले लेकिन अगर आप एक चिकन बना रहे हैं ना तो मेरे ख्याल में उसके लिए एग एग जो है वो इनफ रहेगा अब इसको भी यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया लास्ट में यहाँ पर जाएगा टिक्का मसाला टिक्का मसाला ऑप्शनल है थोड़ा सा अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें क्योंकि ऑलरेडी हम इतने मसाले डाल चुके हैं तो ज़्यादा इसके डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया अब करेंगे इसकी कोटिंग अब जो कोटिंग है वो मैं टू टाइम के लिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जरगा बहुत अच्छा बनता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब कोटिंग किस तरह से करनी है कि मसाले को अच्छे से कट्स में लगा देना है यानी जितना अच्छा हम इसकी फिलिंग करेंगे जितनी अच्छी इसकी मेरीनेशन होगी इसके अंदर तक मसाला जितना अच्छा जाएगा इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा वरना अगर मसाला अंदर तक नहीं जाएगा चिकन तो पक जाएगा लेकिन अंदर से उसका कोई टेस्ट नहीं होगा अब इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है आजकल खैर वेदर अच्छा है यानी ठंडा सा है अगर हम फ्रिज में ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है अब यहाँ पे पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया यानी चिकन ने सारे मसाले को चूस लिया है यानी मसाला जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया इसने अब करेंगे इसकी सेकेंड टाइम कोटिंग अच्छा अगर आप टू टाइम के लिए कोटिंग नहीं करना चाहते ना तो फिर आपने इसके ऊपर मसाला लगा के इसको ओवर के लिए रख देना है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है इस वजह से यहाँ पर मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ और अगर आप ओवर के लिए रखना चाहते हैं तो उस तरह भी रखें उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा यानी और मज़े का बनेगा और साथ ही यहाँ पे मैंने इसके जो लेग्स हैं उसके ऊपर थ्रेड लगा दिया है थ्रेड लगाने का मकसद ये यानी जब आप फ्राई करेंगे ना तो फिर आपका चरखा टूटेगा नहीं और यहाँ पे मसाला कोई इतना ज़्यादा बच गया था मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया था चिकन मुझे लगा इतने बड़े हैं तो मैंने भी मसाला उस हिसाब से ही बना दिया तो फिर यहाँ पे कुछ मसाला मैंने स्टोर कर दिया है और कुछ में मैंने यहाँ पे फ्राइज़ जो है वो बना दिए थे ये फ्रोज़न फ्राइज़ मेरे पास पड़े थे मैंने कहा चलें देख लेते हैं इसमें कैसा टेस्ट आएगा और बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने बना दिए थे अब यहाँ पर तीन से चार घंटे गुजर चुके हैं मेरीनेशन गई है कम्प्लीट तकरीबन चार घंटे के लिए मैंने इसे रखा है चार घंटे कम्प्लीट हो गए और यहाँ वहाँ पर मैंने दोनों चिकन को फ़ाइल के अंदर डाल दिए अच्छा मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं बल्कि बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि स्टैंड के ऊपर चिकन को रख देते हैं तो उस तरह बहुत मैसी सा लगता है सारा जो मसाला है वो इधर उधर गिरता रहता है और उस तरह स्टीम भी अच्छे से नहीं मिलती है तो आ, ये तरीका बेस्ट होता है कैसे अगर आप फ़ाइल के अंदर डाल दें अच्छा यहाँ पर मेरे पास स्टैंड जो है वो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने वहाँ से स्टैंड मंगवाए थे वो भी उसके पास भी नहीं थे उसने मेरे ख्याल से अपने बाउल के स्टैंड मुझे भिजवाए थे पहले तो मैंने कोशिश के दोनों चिकन को एक ही स्टैंड पे रख दूं लेकिन फिर वो पतीला जो था उसका ढक्कन फिक्स नहीं हो रहा था ढक्कन आपका पतीले का बिल्कुल फिक्स होना चाहिए इस तरह का पतीला आपने लेना है और फिर यहाँ पे मैंने अलग अलग पतीलों के अंदर पानी डाल के स्टैंड रख के फिर एक एक चिकन को डाला है ताकि इस तरह से अच्छे से इसको स्टीम मिल जाए अब स्टीम कितने टाइम के लिए देनी है यहाँ पर मेरे पास चिकन काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ पर मैंने तीस से चालीस मिनट तक इसे स्टीम दूंगी क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा बड़े हैं ताकि अंदर से भी पक जाए लेकिन अगर आपके पास है चिकन बहुत छोटा तो 20 से 25 मिनट तक आप किस को स्टीम दे क्योंकि महा ने लास्ट टाइम में देखा था स्टीम बहुत ज़्यादा दे दी थी तो वो चिकन लास्ट में जो है जब फ्राई कर रहे थे ना तो वो टूट गया था और साथ ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर प्याज बड़े साइज़ की डाली है और प्याज को यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करी जब इस तरह थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए तो इसके अंदर खड़े गरम मसाले जाएंगे जिसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े लिए हैं थोड़ा सा जीरा लिया है लौंग लिया है और दो छोटी इलायची और दो बड़ी इलायची ली है अब इसके बाद इसके अंदर मटर जाएंगे मटर आपने स्टार्ट में ही डाल देने क्योंकि ये थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं लेकिन अगर आपके पास फ्रोजन मटर पड़े ना तो फिर आप वो सब्जियों के साथ डाल दें अब इसके अंदर जाएगी गाजर और साथ ही मैंने

के बारिश के अंदर जाएगा नमक आ, नमक आपने अभी थोड़ा सा डालना है जब आप चावल में पानी डालते हैं ना तब आपने नमक चेक करके फिर डालना है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि चावल में हमारा नमक कम हो जाता है तो जब आप पानी डालते हैं ना तब आपको नमक का ठीक तरीके से पता चलता है जब थोड़ा सा खट्टा सा उसका टेस्ट आ जाए ना तो फिर समझ आ जा जाती है कि नमक इसके अंदर बिल्कुल पूरा है और साथ ही यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था पानी को जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसके बारिश के अंदर जाएंगे सेला चावल यहाँ मैंने तकरीबन इसे तीस मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट थे अब इसके अंदर चले जाएंगे अच्छा जब तक यहाँ पे हमारा पुलाव तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ चिकन की तरफ़ चलते हैं चिकन को हो गए जी तकरीबन 40 मिनट और 40 मिनट के अंदर अंदर इसको बहुत अच्छे से स्टीम मिल गई है बहुत अच्छे से पक गया अंदर से बहुत जूसी हो गया अच्छा हम जो बाहर से चिकन लेकर आते हैं सब्जी लेकर आते हैं आप देखें वो अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो बिल्कुल भी खाई नहीं जाती तो मेरे ख़्याल में बाहर से ज़्यादा घर में आपसे ज़्यादा अच्छी बनती है तो यहाँ पर मैं अब इसे कर दूँगी फ़्राई अच्छा यहाँ पर मैंने चराह के साथ मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाया पुलाव में आप आप कह रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली वो इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे साथ चिकन बना रही हूँ यानी चरगा बना रही हूँ लेकिन अगर आप वैसे पुलाव बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल तो फिर आपने सब्जियाँ स्किप नहीं करनी सारी की सारी कोशिश करें डाल दें अच्छा अगर आप चावल नहीं खाना चाहते इसके साथ बहुत से लोगों को घर में चावल पसंद नहीं होते अगर आप इसके साथ रोटी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है बटर चिकन का मसाला बनाना है जो कि मैं अपने चैनल पे कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ या फिर आप किचन विद अनाया के चैनल पे देख लें आई थिंक उन्होंने उनका

ज़्यादा पक गया है इसको बहुत ज्यादा स्टीम मिल गई यानी चिकन आपका टूटने लगा है तो फिर आपने कढ़ाई के अंदर जो ऑयल डालना है उसे ठीक से गर्म करना है यानी जब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो तब आपने चिकन डालना है और फिर फ़ौरन से निकाल देना है यानी आपने चिकन को बहुत टाइम तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पक चुका है पहले तो आप अगर स्टीम दे रहे हैं तो दरमियान में आप थोड़ा सा चेक कर लें कि ज्यादा तो इसको स्टीम नहीं मिल गई है अच्छा यहाँ लास्ट में मैं प्लेट को डेकोरेट कर रही हूँ यहां पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाला और साथ ही यहाँ पे मैंने अंडे बॉय करके रखे अच्छा अंडे आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं तो उसके साथ अंडे बहुत अच्छे लगते हैं और आज मैं आपसे कहूँगी कि आपने मेरी ये रेसिपी आज ही ट्राई करनी है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और ये एक प्लेट मैंने महा के लिए भिजवा दी थी और महा ने स्पेशली मुझे मैसेज किया था क्योंकि मेरी अक्सर डिशेज में वो नुक्स निकालती है उसकी इतना माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे उस तरह से अभी कुकिंग नहीं आती है तो आज उसने बड़ी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे बने और यहाँ लास्ट में एक छोटा सा क्लिप लगा रही हूँ महा के घर गई थी उनकी फ्रेंड नैना आई थी उनकी भी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड है और बहुत ही हमने इन्जॉय किया था बहुत मज़ा आया था उस दिन वो अर्शमान के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और अगर आ, आप मेरा व्लॉग देख रही हो नैना तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए और महाँ ने भी बहुत मज़े की डिशेस बनाई थी बहुत मज़ा आया था और इसी के साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा इन मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह अल्लाफ